और दिल्ली पुलिस ने करीब 800 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालते हुए मनरेगा से अपहृत 4 साल की बच्ची को बरामद कर लिया। मुनीरका के एक शख्स ने किशनगढ़ थाने में 4 साल की बच्ची के लापता होने की सूचना दी। पुलिस ने विशेष टीम गठित कर बच्ची की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं कि बच्ची को गोद में लेकर आरोपी जा रहा है। पुलिस ने बस को ढूंढ निकाला और आरोपी का पता लगाने के लिए करीब 800 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल डाले। आरोपी शख्स को विक्षिप्त बताया जा रहा है, जिसने बच्ची को गीता कॉलोनी मार्केट के पास छोड़ दिया, जहां से पुलिस ने बच्ची को बरामद कर लिया। बच्ची को बरामद करने के बाद मेडिकल जांच कराई गई और परिजनों को सौंप दिया गया है। और उत्तर प्रदेश के उमरिया जिले के सीएमएचओ का नेशनल हाईवे पर नशे में धुत बाइक दौड़ाने का वीडियो सामने आया। ये उमरिया के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के मेहरा हैं। हाफ पैंट और बनियान में तेज रफ्तार से बाइक चला रहे हैं। बाइक पर स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मियों को भी बैठा रखा है। NH-43 पर बाइक चलाने के दौरान न तो CMHO और न ही पीछे बैठने वाला कोई शख्स यातायात के नियमों का पालन कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य महकमे के मुखिया डॉक्टर आर के मेहरा शराब के नशे में इतने धुत हैं कि बाइक को भी संभल नहीं पाते और पीछे बैठे शख्स के साथ सड़क पर ही लुढ़क पड़ते हैं। पूरी घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने कैमरे में कैद कर लिया।